अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आप मम्मा वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं अभी मम्मा क्या तय कर रही है, छाड़े तय कर रही है। ऐसा क्या कर रही है? हाँ ऐसा मुझे सलाम तो करने दो। अच्छा अच्छा, आप सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। अल्लाह ताला आपको अपने प्यारों के साथ हमेशा खुश और खुर्रम रखे, और अल्लाह ताला आपके दस्तरखान अल्लाह की रहमतों नेमतों और बरकतों के साथ हमेशा सजे रहें। वेलकम करती हूँ आपको अपने ब्लॉग में। आज का स्टार्ट मोइज ने लिया है, मैं बैठ जाऊँ फिर बैठ के आराम से। आप सही है? हाँ जी सही है। मैं बैठ जाऊँ? मैं भी बैठ जी। अभी मैं काम से फारिग हुई थी तो इसने स्टार्ट कर दिया। आज मैंने सारे पर्दे वगैरह और सारे गद्दियों के छाड़े चादरें सब कुछ मैंने ना धो दिया। तो अभी तय कर रही थी, थोड़ा सा सामान बाजार से लेके आई हूँ रमजान के लिए, तो ज्यादा नहीं लिया। मैंने कहा साथ साथ बंदा लेता रहता है, एकदम मैं क्या इकट्ठा करके रख दूँ। तो काफी दिनों से मैं सोच रही थी आप कैमरे में देखो, यहाँ पे देखो, इधर मैं बताता हूँ, इधर देख। मोइस सामने की रोशनी खुली है ना। मम्मा तो क्या हुआ, इधर देख लो आप, इधर इधर। मम्मा मैं आपको बताऊंगी, इधर देखो आप, ये जो सुराख नहीं होता है इसके बीच में नहीं, वो तो फ्रंट कैमरे का होता है, वो बैक कैमरे का होता है, ये फ्रंट कैमरे। अभी तक ये मुझे यही सिखा रहे कि मम्मा आपने देखना इधर है। चलो क्योंकि सामने लाइट चल रही है, मैं कैसे देखूं लाइट के अंदर। खैर कुछ नहीं, तो मैं भी तो देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स सारे मुझसे पूछ रहे थे कि आपने अपडेट नहीं किया वेट के बारे में। तो जितने भी मेरे प्यारे फ्रेंड्स ने अंदाजे लगाए हैं सब गलत हो गए हैं उनके अंदाजे। मम्मा का वेट अब 25 केजी हो चुका है, जैसा कि आप सब जानते हैं। नहीं नहीं 25 नहीं हुआ, मेरा वेट हो गया है जी, था मेरा वेट था 1010 था। तो तकरीबन मुझे 11 दिन हो गए, दो महीने कह रहा हूँ, 2 हफ्ते हो चुके। हाँ जी 2 हफ्ते हुए वेट स्टार्ट किए हुए, तो अब ये हो गए मेरे तकरीबन 5 केजी मेरा वेट कम हुआ है। तो इसके लिए मैंने आपके साथ डाइट शेयर की थी कि ज़्यादा सारी मैंने वेजिटेबल बना के फ्रिज में रखी हुई है, वही मैं इस्तेमाल करती हूँ। और सुबह के टाइम पे बॉयल एग ले लेती हूँ, तो दोपहर में कोई भी अगर चिकन का पीस लेना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं सिर्फ वेजिटेबल ही ले लेती हूँ। तो वेजिटेबल में क्या लेती हो ये भी तो बताओ ना। वेजिटेबल में मैंने शेयर की हुई अपनी रेसिपी जो मैंने बना के फ्रिज में रखी है, इसमें मिक्स सब्जी में जो फेवरेट सब्जियां हैं सारी आप डाल दें और उसको दही में बना दें, घी का इस्तेमाल नहीं करना। तो दही में बना दें उसको फ्रिज में रख दें, जब भी आप कोई पोर्शन लें उसमें आप वो जो आपने बनी हुई सब्जी है वो आप साथ शामिल कर। सब्जियाँ सारी बना के रखी हुई थी, तो मैं जब भी कुछ खाने लगती हूँ तो मुझसे सारी बात है ड्राई सलाद भी खाने लगती, तो मैं फिर उसके साथ वो इस्तेमाल करती हूँ, मुझे आराम से बात करने करो। तो तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा वेट हो तो कम करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मेरा वेट कितना है, अभी मोइज लेके आएगा वेट मशीन और फिर मैं आपको ऐसे ही पूछ रहा हूँ। 150 किलो है, 150 किलो है किलोग्राम तो किलोग्राम सॉरी। अच्छा तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ अपडेट करती रहूँगी, आगे बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली है, बहुत अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि मेरी सासूमा भी आ रही है, मोइस की दादो आ रही है, मेरी भी दादो आ रही है, तो रमज़ान वो हमारे साथ गुजारेंगी। तो इंशाल्लाह रोज़ का बहुत अच्छा रोज़ का एक ब्लॉग आपके पास पहुँचा करेगा रमज़ान का, तो दुआओं में याद रखिएगा। साथ आपको नाते भी सुनाया करेंगे रमज़ान में। हाँ नाते भी सुनाया करेंगे और आयशा पहला रोज़ा भी रखेगी, और तो आयशा अच्छा चुप कर मुझे बताने दो, आयशा पहला रोज़ा रखेगी और फिर हम आयशा की पार्टी करेंगे और फिर इंशाल्लाह फिर आयशा की रोज़ा कुशाई करेंगे, तो सब साथ में मम्मा की भी रोज़ा कुशाई करेंगे। पहला मतलब साल का नया रोज़ा ना, पहला सब की रोज़ा कुशाई होगी। जियो न्यूज़ वालों को बुला लेंगे आगे, उनको हमारी वो करें। तो आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपका वेट कर रहे हैं।
इंशाल्लाह ताला हमारे साथ रहेंगे तो आप मिस नहीं करेंगे। अभी मैं वेट मशीन मंगाती हूँ और आपको वेट करके दिखाती हूँ। और ऊपर का ऊपर नीचे करके चलाओ। ये क्या हुआ? उधर सामने से रोशनी आती है ना तो भेज दे जा। बस चलो आ जा, आ जा, बाय बाय कर दो। एक दवा, एक दवा, एक दवा। चाहे 10 मिनट्स तक नहीं कटे। 11 मिनट्स तक। झूठे दे इसमें। बोलो। चलो बैठ। मोइस रोना शुरू हो जाएगी। इलेवन मिनट्स पर आपका वजन नहीं है। इलेवन, हाँ तो इलेवन वजन होता तो आपका तो 30 है आपका। मेरा तो थोड़ी थोड़ी 30 से 29 हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं पूरा दिन में क्या खाती पीती हूँ और क्या मेरी डाइट चल रही है। तो ये मैं कावा बनाती हूँ, दालचीनी, अजवाइन, सौंफ और अदरक, ठीक है, और ज़ीरा। ये चार चीज़ें मैं मिला के रात को भिगो देती हूँ पानी में और सुबह मैं इनको बॉईल करके तो छान के फिर मैं एक कप ये सुबह सुबह खाली पेट में ये पीती हूँ पानी, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझसे और पानी पिया जाए एक दो ग्लास तो मैं वो भी साथ पी लेती हूँ। और बॉयल एग्स दो लेती हूँ। तो फिर ये दोपहर के लिए मैंने, चाहे दोपहर में लें चाहे रात में लें, क्योंकि ना चीज़ बनी हो तो फिर बंदा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खा लेता है, तो इसलिए मैंने बना के रखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें मिक्स सब्ज़ी मैंने बना के, तो ये रेसिपी मैं जल्दी जल्दी आपके साथ दोबारा से रिकैप कर रही हूँ। और मेरे चैनल पर ये रेसिपी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने बना के रखी हुई है क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं इसमें से ले लेती हूँ, क्योंकि रेडी पड़ी है। और सुबह के टाइम में जो सलाद वगैरह हो उसको भी काट के रख देती हूँ ताकि इजी हो जाए मेरे लिए। तो आपको पता है इतना ज़्यादा वेट है, उसको कम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो प्लीज़ मुझे थपकी देते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो कामयाबी मिल ही जाएगी। और हमेशा मैं वीडियो के स्टार्ट में कहना भूल जाती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। मुझे पता है आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएंगे, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे सामेन बोर ना हो तो मैं बार बार ये रिपीट नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि आप रेड बटन दबाए बगैर जा नहीं सकते मेरी वीडियो देख के, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल ओरिजिनल और सिंपल लाइफ जो हमारी हाउसवाइफ की, जो एक माँ की होती है घर में बच्चों के साथ, तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें कोई मैं बनावट या कोई रख रखाव नहीं रखती, मैं तो अपने बच्चों को जैसे बोलती हूँ आपके साथ डायरेक्ट ऐसे ही शेयर करती हूँ, तो माएँ ऐसे ही बोलती हैं। तो ये दोपहर के लिए मैंने 3-4 छोटी छोटी बूटियाँ मैंने ली थी और साथ मैंने सलाद ले ली थी, ठीक है। तो मैंने सफ़ेद चने और काले चने भी बॉईल करके रखे हुए हैं। अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि मैंने टमाटर, प्याज, खीरा और टमाटर, प्याज, खीरा, प्याज और वो यार ये क्या था, मूली और जितनी सब्ज़ियाँ मुझे सामने नज़र आ जाएं ये मैं बाउल से बना के रख देती हूँ। और फिर ये थोड़े से चने लिए और यही सलाद वाली दही मैंने इसमें शामिल कर देती हूँ और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया। किसी दिन मैं सफ़ेद चने ले लेती हूँ और किसी दिन मैं काले चने ले लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं तो इस तरह मैं थोड़ी सी ये किसी दिन में सिर्फ ये सलाद खाती हूँ थोड़े से चने डाल के। या अब यही चीज़ें मैं कभी रात में कर लेती हूँ, कभी सुबह में कर लेती हूँ।